हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम एक इन्वेस्टमेंट की बहुत ही अच्छे ऑप्शन देखेंगे जो कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अंदर है। तो जो लोग फिक्स डिपॉजिट के अंदर, फिक्स डेब्ट के अंदर, डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं, जो कि NCD के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में एडलवेस और नुआमा की NCD नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को शेयर करूंगा जिसका इशू 3 जैन मतलब कि कल से शुरू होगा और 23 जैन तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 24 जैन को आपके डीमैट अकाउंट में ये NCD अलॉट होगा। तो बढ़ने से पहले इसकी डिटेल्स समझ लेते हैं। जो ये NCD है दोस्तों, इसकी कूपन रेट है 10.45%। आपने सही सुना दोस्तों, आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने जाएंगे तो आपको मिलेंगे 5 से 6 टका, लेकिन यहां पर आपको मिलेगा 10.45% प्लस इसके अलावा आपको 0.2% का एडिशनल इंसेंटिव मिलता है अगर आप एग्जिस्टिंग एडलविस के इन्वेस्टर है। एग्जिस्टिंग एडलविस इन्वेस्टर का मतलब होता है अगर आपके पास में एडलविस के शेयर्स है या आपने किसी एडलविस की कोई पुरानी NCD लेकर रखी हुई है या किसी भी तरीके से आप एडलविस के अंदर इन्वेस्टेड है तो आपके डीमैट अकाउंट से वो डिटेल्स लेकर ऑटोमेटिकली आपको 0.2% का एडिशनल इंसेंटिव मिलता है। आ जाते हैं इसकी क्रेडिट रेटिंग के ऊपर दोस्तों। तो क्रिसिल ने इसकी क्रेडिट रेटिंग जो रखी है वो है AA-। एक्यूट ने इसकी क्रेडिट रेटिंग रखी है AA-। तो दोनों ही ने इसकी रेटिंग रखी है AA-। इंटरेस्ट का जो पे आउट ऑप्शन है वो इसके अंदर आप चाहे तो एनुअली ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं या फिर क्वार्टरली ले सकते हैं, और चाहे तो क्यूमुलेटिव डायरेक्टली एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी ले सकते हैं। जैसे बहुत सी फिक्स डिपॉजिट के अंदर होता है कि आपको वो फिक्स डिपॉजिट का टर्म पूरा होने के बाद में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों आपको मिलता है, उस तरीके से भी आप इसके अंदर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा ऑप्शन आता है इन्वेस्टमेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये जो NCD अवेलेबल है दोस्तों, ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल और 10 साल के लिए अवेलेबल है। आ जाते हैं इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो कम से कम आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम आपको 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। उससे कम का आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और उससे ज़्यादा आप जितना भी चाहें उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो डिटेल्स आपकी लगेगी वो है पैन नंबर, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर पे आउट प्रोसेसिंग एंड फॉर SBA। तो ये एक इशू है NCD का, जो इशू है वो जैसे मैंने कहा 3rd of January से 23rd of January तक रहेगा। तो इस इशू को अप्लाई करने के लिए ASB के थ्रू ये अप्लाई होता है। तो आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर लगेगी जिसके थ्रू SBA के थ्रू ये आपको अलॉट किया जाएगा। साथ ही साथ आपकी CMR कॉपी मतलब कि आपकी DP की अकाउंट डिटेल्स लगेगी, जिस डीमैट अकाउंट में ये NCD अलॉट होगा उसकी डिटेल्स लगेगी। साथ में जो इसको अप्लाई करना चाहता है उसका नाम, मोबाइल और ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स आपको शेयर करनी है। कैसे शेयर करनी है वो मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। उसके बाद में आपको ये सारी डिटेल्स शेयर करने के बाद में हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको एक प्री फिल्ड फॉर्म भेजेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म। उस पर आपको साइन करके, पहले आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, साइन करना है, उसको आपको कुरियर कर देना है या फिर आप चाहें तो उसको स्कैन करके भी ईमेल कर सकते हैं। तो आप घर 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 बैठे बैठे इसको ऑनलाइन पूरी तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं विदाउट गोइंग एनीवेयर। और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जब बैंक आपको SBA के लिए कंफर्मेशन मांगेगा और आप जब आप कंफर्म करेंगे तो ही आपके बैंक अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट होंगे और आपको 24 तारीख को या उसके बाद में जो है ये NCD आपके डीमैट अकाउंट में अलॉट होगी। दोस्तों अब देखते हैं आपको इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आना है हमारी वेबसाइट pivottrading.co.in के ऊपर। यहाँ पर आपको मेन्यू के अंदर मिल जाएगा NCD इन्वेस्टमेंट। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म आएगा जहाँ पर आपको डिटेल सबमिट करनी है। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए, अपना नाम मेंशन कर दीजिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दीजिए। आप अप्रॉक्सीमेटली कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख, कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने डीमैट अकाउंट की डिटेल्स और आपकी यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपका IFSC कोड, आपका नाम और आपका बैंक अकाउंट नंबर, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर करके सबमिट करनी है। उसके बाद में हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको 1 से 2 दिन के अंदर कॉल कर ये सारी डिटेल्स एक प्रीफिल्ड फॉर्म में आपको भेजेंगे और अगर आपको उसके बाद में आगे बढ़ना है तो आप उसको साइन करके, इसको स्कैन करके आप डिटेल सेंड कर सकते हैं। उसके बाद में बैंक आपसे कंफर्मेशन लेगा और उसके बाद में SBA के थ्रू ये NCD आपके अकाउंट में अलॉट हो जाएगी। अब एक चीज और देख लेते हैं कि जो इनका फॉर्मल जो ब्राउशर है
उसके अंदर जैसे यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये एनसीडी जो ओपन हो रही है वो हो रही है 3rd of January 2023 और क्लोज होगी 23rd January 2023 को। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। इसकी फेस वैल्यू है 1000 रुपीज पर एनसीडी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना है, मिनिमम 10 NCDs आपको इन्वेस्ट करनी है। जैसे मैंने कहा 10000 रुपये आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा। ये एक सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है। इसकी लिस्टिंग BSE में होगी। रेटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्रिसिल और एक्यूट ने दोनों ने इसको AA- रेटिंग दी है। और यहाँ पर आपके काम की चीज़ें जिसमें से जो आप मेजोरिटी ऑफ द लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे समझने के लिए, कि जैसे यहाँ पर इस टेबल के अंदर ये दिया हुआ है कि आप अगर चाहें तो एनुअल प्ले आउट ले सकते हैं, चाहें तो क्यूमुलेटिव ले सकते हैं, मतलब जितने भी ड्यूरेशन का आप NCD ले रहे हैं डायरेक्टली उस ड्यूरेशन के आखिरी में जाकर आपको पे आउट मिलेगा। आप चाहें तो मंथली पे आउट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग टेन्योर्स है, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स, 60 मंथ्स और 120 मंथ्स। ठीक है, जैसे जैसे जो जो ड्यूरेशन की आप NCD लेंगे उसके हिसाब से आपको कूपन रेट मिलता है। जैसे मैंने कहा जो कूपन रेट है 10.45 का, वो आपको मिलता है जब आप 10 इयर्स की मतलब कि 120 मंथ्स की आप NCD के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 10.45 का कूपन रेट मिलता है, प्लस 0.2% एडिशनल इंसेंटिव मिलता है अगर आप ऑलरेडी NCD अगर आप एडलवेस के इन्वेस्टर है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप एनुअल पे आउट लेते हैं तो आपको एनुअल आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, साथ में आपकी जो मैच्योरिटी पे आपको वही जितना अमाउंट आपने शुरू में इन्वेस्ट किया है उतना वापस आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आप एनुअल पे आउट नहीं लेते हैं, आप क्यूमुलेटिव पे आउट लेते हैं, तो उस केस के अंदर आपको अगर आप 1000 रुपीज की NCD लेते हैं तो आपको 1188 रुपीज मिलेंगे। ये 24 मंथ्स की NCD के ऊपर है, मतलब कि 2 साल के अंदर आपको 188 रुपीज का ब्याज मिलेगा, मतलब कि 1 साल का हो गया 9% के आसपास। उसी तरीके से आप इस टेबल को रीड कर सकते हैं फॉर 36 मंथ्स, 16 मंथ्स एंड 120 मंथ्स। 120 मंथ्स में अगर आप क्यूमुलेटिव ऑप्शन लेते हैं, सॉरी क्यूमुलेटिव ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन 10 मंथ्स, आपको अगर आप 10 इयर्स में जाते हैं, सॉरी अगर आप 10 इयर्स में जाते हैं तो आपको क्यूमुलेटिव ऑप्शन नहीं, आपके पास सिर्फ मंथली और एनुअल ऑप्शन है। तो आपको मंथली में 10% के हिसाब से आपको पे आउट मिलता है, और अगर आप एनुअल पे आउट पे जाते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 10.45% प्लस जो भी एडिशनल इंसेंटिव होगा वो आपको पे आउट के रूप में मिलेगा। जो एडिशनल इंसेंटिव 0.2% वो हर एक ड्यूरेशन के ऊपर एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडलवेस के इन्वेस्टर होने चाहिए। तो दोस्तों यही सब था इस वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपको जानकारी ये वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।